नमस्कार, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं एसएन सुधा, मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ के कैलाशपुरी का दृश्य दिखा रहे हैं। बाबा श्याम का फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। एक और जहां खाटू नगरी में बाबा श्याम का मेला चल रहा है, और आप सब जानते हैं कोरोना काल के कारण कुछ प्रतिबंधों के चलते खाटू श्याम जी का मेला भी संक्षिप्त हो गया है। तो सुजानगढ़ में श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा जो बाबा श्याम का श्याम महोत्सव मनाया जाता है उसको भी संक्षिप्त कर दिया गया है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ निशान यात्रा कलश यात्रा के साथ कैलाशपुरी से होने वाला है। रात्रि में भजन संध्या होगी जो कि नयाबास श्याम बाग में होने वाली है, और उसके बाद में जो मुख्य कार्यक्रम है जोत का बारिश के दिन कल, और धमाल का कार्यक्रम होने वाला है। आइए शुभारंभ पे निकाली जाने वाली निशान यात्रा कलश यात्रा का अवलोकन करते हैं, जहाँ पर अभी बाबा श्याम की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी। नयाबास कैलाशपुरी का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ से अभी बाबा श्याम की निशान यात्रा शोभा यात्रा निकलने वाली है। आइए बाबा श्याम के दिव्य दर्शन करते हैं। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट का बाबा श्याम का दरबार, बहुत सुंदर केसरिया बागापन है बाबा ने, और ये कैलाशपुरी का श्याम दरबार जहाँ बाबा श्याम की पूजा अर्चना हो रही है अभी। तमाम भक्त श्याम बाबा की पूजा कर रहे हैं अभी। बहुत ही दिव्य दर्शन आप करें हैं बाबा श्याम के। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा 2021 श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है। कैलाशपुरी से अभी कलश यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी, और ये कैलाशपुरी के बाबा श्याम का दरबार, सैकड़ों भक्त बाबा श्याम की निशान यात्रा में भाग लेंगे। सज धज कर तैयार हैं बाबा की निशान यात्रा के लिए। फिलहाल बबुला जी काजफल और गजानन जी बबुला जी काजफल और गिरधारी जी जहांगीर सहपत्नी पूजन कर रहे हैं। कैलाशपुरी भला जी के दर्शन, कैलाशपुरी में रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दर्शन, निशान की पूजा की जा रही है। श्याम की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। नयाबास कैलाशपुरी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा श्याम की निशान यात्रा निकल रही है, और बाबा श्याम को आप देख रहे हैं भक्तों ने अपने मस्तक पे उठाया है। बहुत दिव्य झांकी है बाबा की। आज बाबा ने केसरिया बागा पहना है, गजरा पहना है, और बाबा का फागुनी महोत्सव श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा 2021 का मनाया जा रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ निशान यात्रा के साथ हो रहा है। और आप देख रहे हैं भक्त जोरदार जयकारे करते हुए कैलाशपुरी से रवाना हो रहे हैं। बाबा श्याम की निशान यात्रा रवाना हो रही है। आप देख रहे हैं सभी ने बाबा के निशान धारण किए।
ये देखिए भक्ति में झूमते भक्त। देखिए बाबा की भक्ति में झूमते भक्त। वाह देखिए कितना सुंदर नृत्य हो रहा है, बाबा के भक्त झूम रहे हैं। ये देखिए बाबा बहुत ही सुंदर रत्न विराजमान है। ये देखिए बाबा के भक्त पुष्पों के थाल लेकर स्वागत में खड़े हैं। बाबा श्याम की निशान यात्रा श्याम महोत्सव पर श्याम सखा मंडल निकली है। बाबों पर पुष्पों की वर्षा की तैयारी है। जगह जगह भक्त थाल लेकर खड़े हैं पुष्पों के। नया आवास की तंग गलियों से होकर शोभायात्रा चल रही है। इसमें भक्त स्वागत में खड़े हैं। बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
भव्य निशान यात्रा के दर्शन आप कर रहे हैं सुजानगढ़ से बाबा श्याम की। देखिए छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं। श्याम भक्त आप देख रहे हैं पुष्पा की थाल पूजा के थाल लेकर खड़े हैं। यहाँ पर श्याम भक्तों की सेवा हो रही है। ये देखिए कर्णीदान जी मंत्री के निवास पर भी पुष्प वर्षा और पूजा की तैयारी हो रही है और साथ में श्याम भक्तों को प्रसाद परोसा जा रहा है। मंत्री परिवार द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा है। सभी आप देख रहे हैं सजे धजे। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा फागुन महोत्सव पर बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली जा रही है। निशान यात्रा प्रणिधान जी मंत्री के निवास स्थान पर पहुंच चुकी है और यहां पर आप देख रहे हैं श्याम भक्तों को दूध पिलाया जा रहा है, केसर का विशेष मिल्क्रोज, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्प वर्षों की तैयारी हो रही है। पूरा परिवार पुष्पों के थाल लेकर खड़ा है और यहाँ पर बाबा श्याम के भक्तों पर जोरदार पुष्प वर्षा की जाएगी, साथ में बाबा श्याम की यहाँ पर पूजा अर्चना भी होगी। ये देखिए गुलाब के पुष्पों के थाल लेकर खड़े हैं भक्त। और ये बाबूलाल जी के निवास स्थान पर भी आप देख रहे हैं भक्त पुष्पों के थाल लेकर खड़े हैं शोभा यात्रा के स्वागत के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का इससे सुंदर नज़ारा नहीं हो सकता है। ये बाबूलाल जी काचवाल का निवास स्थान है पर जहाँ पर बाबा श्याम का दरबार रहता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबूलाल जी का पूरा परिवार जो है वो पुष्पों के थाल लेकर खड़ा है। बाबा के लिए विशेष गजरा है, साथ में लड्डू गोपाल जी भी बाबा श्याम के स्वागत में खड़े हैं क्योंकि श्याम बाबा जो है वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। और आप देख रहे हैं पूरा परिवार पूरी श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा पर ये जो निशान यात्रा निकाली जा रही है इस पर पुष्प वर्षा की तैयारी के लिए खड़ा है और पलक पावड़े बिछाकर बाबा श्याम की शोभा यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। और ये देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी पर पुष्प वर्षा की जा रही है। शिवम बहुत श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, खूब अच्छा नृत्य भी करते हैं और बाबूलाल जी भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर दृश्य है ये। ये देखिए पुष्पों का थाल लेकर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर नृत्य है। बहुत ही खूबसूरत है। श्याम कृपा कुंज का दृश्य है। ये देखिए दोनों भाई बहन नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा। देखिए लड्डू गोपाल जी के साथ नृत्य हो रहा है। यात्रा का अद्भुत नजारा है, धमाल पे नृत्य हो रहा है। ये देखिए रामोता जी मंत्री भी शामिल हो गए हैं नृत्य में। Yeah.
बाबा पे पुष्पों की वर्षा की जा रही है। खनिजान जी मंत्री बाबा का पूजन कर रहे हैं। मंत्री परिवार पूजन कर रहा है बाबा का। बाबा पर जोरदार पुष्प वर्षा हो रही है। बाबा पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है बाबूलाल जी के निवास स्थान पर। और बहुत ही सुंदर गजरा बाबा को पहना जा रहा है। बहुत ही दिव्य गजरा पहनाया गया है बाबा को। जोरदार पुष्प वर्षा बाबा पर। ये देखिए 100 वर्ष की दादी जी भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बैठी हैं। और यहाँ पर भी बाबा श्याम की पूजा हो रही है। हर जगह बाबा के भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पूजन करने के लिए खड़े हैं। श्याम निशान यात्रा गांधी चौक पहुंच गई है सुजानगढ़ के।
आप देख रहे हैं बाबा श्याम की पूजा हो रही है यहाँ पर। देखिए भगवान के प्रति भक्ति का नज़ारा, इस बीमारी अवस्था में भी बाबा के दर्शन करने के लिए व्हील साइकिल पे यहाँ पे पहुँचे हैं भक्त। ये भगवान के प्रति श्रद्धा का एक सुंदर उदाहरण है। देखिए जगह जगह भक्त आप देख रहे हैं बाबा के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पार्षद सोनिका पिपलवा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँची हैं। शोभा यात्रा अब कुछ ही देर में यहाँ पर नयावास क्लब श्याम बाग पहुँचने वाली हैं। कैलाशपुरी से शोभा यात्रा रवाना हुई थी, निशान यात्रा रवाना हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष झूमते नाचते शोभा यात्रा में चल रहे हैं। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा श्याम महोत्सव फागुन महोत्सव 2021 मनाया जा रहा है और ये आज इस निशान यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। रात्रि में इसी स्थान पर विशाल जागरण का आयोजन होगा और कल यहाँ पर श्याम धमाल का आयोजन होगा। बाबा श्याम की जो जलेगी और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बाबा का पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुँचेगी। फिलहाल शोभा यात्रा श्याम बाग पहुँचने वाली है। शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रही है। ये श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के भक्त आप देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ श्याम बाग पहुंच चुके हैं शोभा यात्रा में। बहुत भव्य सुंदर शोभा यात्रा निकली है।
श्याम बाबा पंडाल में पधार रहे हैं। बाबा श्याम को विराजमान किया जा रहा है, बहुत ही दिव्य अलौकिक निशान यात्रा संपन्न हुई है बाबा की, श्याम महोत्सव 2021 की। ये था सुजानगढ़ के नयाबाद से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्याम महोत्सव 2021 का शुभारंभ आज निशान यात्रा के साथ हुआ। कोरोना के कारण, प्रतिबंधों के कारण, हालांकि इस कार्यक्रम को संक्षिप्त करने का फैसला किया गया था, लेकिन जो बाबा श्याम करता वही होता है। हर साल से इस बार और ज़्यादा अच्छी शोभा यात्रा निकली, बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और हाथों में बाबा के निशान ध्वज लेकर पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यहाँ पर श्याम बाग पहुँचे, जहाँ पर 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज रात्रि में जागरण का आयोजन होगा, कल सुबह 10 बजे से श्याम धमाल, श्याम ज्योत और प्रसाद का कार्यक्रम होगा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री श्याम।